Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine better. Now, welcome you once again in your science class. Dear, as you know, we have already started our chapter number 13, electric current and circuits. Okay, in previous videos, we have discussed about dry cells, cells and bulbs. And in today's video, we will start our next topic that is about electric current. So, start karte hain hamara aaj ka topic that wo hai electric current. Kehta hai, when there is a flow of electricity through a wire or a device or an appliances, we see that electric current is flowing. है ना, जब कभी भी हम कोई appliances, बिजली से चलने वाला electricity के through चलने वाला appliance, जब हम flow करते हैं, हम क्या कहते हैं उसमें से क्या flow कर रहा है? Electricity flow कर रही है. हमारे घरों में भी बहुत सारे use होते हैं, electric bell है, freezers हैं, batteries हैं, car batteries, phone की batteries, तो जब that can make current flow through a device. जो अपने में से करंट को फ्लो करने देते हैं. कैन बी कंपेयर टू अ पंप डैट वी यूज टू पंप वाटर थ्रू द पाइप्स. इन अ सेम वे जैसे हम वाटर जो आपकी मोटर्स लगी होती हैं या वाटर पंप होता है, वो पाइप को वाटर को ट्रांसफ़र करता है पाइप्स के थ्रू. तो इन अ सेम वे जो आपका करंट है, इट विल फ्लो थ्रू द वायर्स. ओके, तो वैन वी कनेक्ट अ डिवाइस टू अ सेल, जब भी आप किसी डिवाइस को सेल के साथ कनेक्ट करते हो, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज टेकन फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टर्मिनल टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल. मैंने आपको सेल के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दिखाया था ना बेटा. तो कहता है कि जब कभी भी आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हो, चाहे फिर वो बल्ब है, चाहे वो बैटरी है, वट एवर इट इज़, किसी भी डिवाइस को जब आप एक सेल के साथ कनेक्ट करते हो या बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, तो जो उसमें से फ्लो हो रहे हैं चार्जेस, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, करंट इज़ वॉट, करंट आर द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द वायर. करंट एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज करंट, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द वायर, उसी को हम करंट का नाम देते हैं. तो वो जो आपके चार्जेस हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है. एंड द वायर कनेक्टिंग वायर, और उनको कनेक्ट कौन करता है, वायर्स कनेक्ट करती हैं, वायर द कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू वो फ्लो करता है. एंड द डिवाइस कनेक्टेड टू द सेल, और उस सेल के अंदर आपका सेल की हेल्प से फिर वो करंट जो है वो फ्लो करता है. वी कैन नाउ अंडरस्टैंड वाई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज अप्लायंसेज हैव टू टर्मिनल्स. अब आपको पता लगा कि क्यों टू टर्मिनल्स होते हैं, कहता क्यों पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि जो आपके चार्जेस फ्लो होते हैं, जो करंट फ्लो करता है, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करता है, इसीलिए दो टर्मिनल्स बने होते हैं. द करंट एंटर्स द डिवाइस थ्रू वन टर्मिनल, करंट एक टर्मिनल को छोड़ करके दूसरे टर्मिनल से एंटर करता है. क्लियर है बेटा? Now here is an activity. यहाँ पे एक activity दी हुई है, make the two teams of two students each. दो team बनाओ, हर team में दो दो students होने चाहिए. And name them as the battery and the light bulb team. एक team को आप नाम दे दो battery, दूसरी team का नाम हो गया आपका light bulb. Provide a basket full of light rubber plastic balls to the battery team. अब आपको क्या करना है, जो battery वाली team है उसको आपने क्या देना है, एक basket जो भरी हुई है किससे, लाइट रबर बॉल से या फिर प्लास्टिक की बॉल से, ठीक है. लेट देम, लेट द टू टीम्स स्टैंड अबाउट 3 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, और दोनों को 3 मीटर की दूरी पे आपने खड़ा कर देना है, बैटरी की टीम को भी और लाइट की टीम को भी. स्टार्ट द गेम बाय आस्किंग वन मेंबर ऑफ द बैटरी. अब आपको क्या गेम कैसे स्टार्ट करनी है, आप घर पर ट्राई कर सकते हो, अभी हम स्कूल में तो है नहीं जो हम लोग ट्राई करेंगे. इसमें कहता आपने कैसे करना है, वन मेंबर ऑफ द बैटरी टीम टू थ्रो द बॉल वन आफ्टर द अदर टू वन मेंबर ऑफ द लाइट बल्ब. यानी कि बैटरी टीम का जो मेंबर है वो बल्ब को, जो उसके हाथ में बॉल है, उसके पास जो बास्केट में बॉल है, एक एक बॉल को वो थ्रो करेगा किसके पास, लाइट बल्ब की टीम के मेंबर को, ठीक है. और वो कैच करेंगे बॉल और पास करेंगे वो दूसरे मेंबर को, अपनी ही टीम के, टू द अदर मेंबर ऑफ हर और हिज टीम हु देन गिव इट बैक टू द अदर मेंबर ऑफ द, फिर उसके बाद वो घूम करके वापस आपके जाएंगे. सपोज एक टीम यहाँ पे खड़ी है, एक टीम यहाँ खड़ी है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ, ये दो बच्चे इसके हैं, ये दो बच्चे इस टीम के हैं, इनके पास बास्केट वाली बॉल है, ठीक है. क्या कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे दो बच्चे हैं, ये ए ए मान लो, ये बी बी, ये मेरी एक टीम होगी, ये मेरी दूसरी टीम होगी, ये मेरी हो गई आपकी बैटरी वाली टीम और ये हो गई मेरी लाइट बल्ब वाली टीम. इनके पास पूरी बास्केट है रबड़ बॉल वाली,
ओके अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस बोला था इसने कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, आप उनको कितना दूर खड़ा करोगे दोनों को, 3 मीटर। यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन 3 मीटर का है। अब ये एक एक बॉल पिक करेंगे, पहले ये बच्चा बॉल पिक करेगा, ये इसको थे इसको ये कैच करेगा, ये फिर इसको देगा, ये वापस इसको देगा, इस तरीके से आपका जो ये सारा प्रोसेस है चलता रहेगा। ठीक है, तो कहते हैं अब आपने इनमें क्या स्पेस किया, दिस मेंबर रिटर्न्स, ये सारा इसी तरह से आपका चलता गेम कंटिन्यू होती रहेगी जब तक कि, और इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूस फ्लो ऑफ बॉल्स, एक से दूसरे को दूसरे से वापस, इन द स्पेस बिटवीन द टू टीम्स कैन बी ऑब्जर्व। कहते अब होगा क्या, लेट द स्टूडेंट्स कंपेयर, अब हम इनको कंपेयर करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट के साथ। कहते हैं मान लीजिए एक्सप्लेन टू देम इट इज़ द एनर्जी, अब बास्केट बॉल, बॉल की जगह वो मेरी क्या है, एनर्जी है, बॉल की जगह क्या है, एनर्जी प्रोवाइडेड टू द बॉल बाय द फर्स्ट मेंबर ऑफ द बैटरी टीम दैट गिव अ फीलिंग ऑफ इम्पैक्ट ऑन द हैंड ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइट बल्ब। आपने वो जो बॉल फेंकी वो एक तरह की एनर्जी थी, दूसरे ने उसको कैच किया, तो जिसने कैच किया एक तरफ से मान लीजिए कि वो उसके हाथ में क्या आ गई, वो लाइट आ गई। डिस्कस हाउ दिस कैन बी कंपेयर टू द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी टू द लाइट बल्ब विच गेट हीटेड अप, वो हीट हो जाती है, वो एनर्जी उसने थ्रो करी है ना, इसने मान लीजिए इसने एनर्जी थ्रो करी यहाँ पे बी के पास, तो बी ने वो एनर्जी ले लिया, कैच कर लिया, उसने बल्ब अपनी वायर को हीट अप किया और हमें लाइट दे दी। ठीक है, सेल की बात करें तो ये वर्क करने लग गया। इन अ सिमिलर वे वी कैन से व्हाट इज, इन सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि करंट एक्चुअल में है क्या, करंट इज सिंपली द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज़ ईजी टू रियलाइज दैट वी कैन गेट अ कंटिन्यूस फ्लो, हमें यह पता है कि कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है, जब तक आपका स्विच ऑन है तो एक कंटिन्यू फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का, वो चलता रहता है। ठीक है, ओनली इफ़ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कम्प्लीट एंड क्लोज पाथ ऑफ कंडक्टर्स। अब यहाँ पे जो करंट है वो कंटिन्यू कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक कि स्विच ऑन है, स्विच लगा हुआ है तो स्विच शुड बी ऑन। सेकेंड, जो आपका सर्किट बना हुआ है मतलब जो आपके टर्मिनल्स हैं वो कहीं से भी ब्रेक डाउन नहीं है, दे शुड बी क्लोज्ड पाथ। ओके, तो सच अ कंप्लीट पाथ, ये इस जो एक कंप्लीट पाथ है जिसमें से आपका करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यू कैन सी हियर, अब जैसे यहाँ पे देखो ये एक सेल है, यहाँ पे एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की हुई है, ये बल्ब के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये नेगेटिव, तो ये कंटिन्यूस फ्लो चल रहा है, पाथ टूटा भी कहीं से नहीं हुआ, बंद है ये पाथ, क्लोज्ड पाथ है, तो वी कैन से इट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर, मेनली वी नीड द 3 पार्ट्स, हमें 3 पार्ट चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए, अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बनाना है तो यू शुड हैव 3 रिक्वायरमेंट्स। क्या है वो, पहली रिक्वायरमेंट बेटा आपके पास सेल या बैटरी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे, इट शुड बी सेल और बैटरी या फिर कनेक्टिंग वायर्स जिससे आप उसको कनेक्ट करोगे। तीसरा, एक स्विच होना चाहिए जो करंट को फ्लो करने के लिए या तो स्टार्ट करे या स्टॉप करे। क्लियर है, तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स है जो हमें चाहिए। नाउ यू लुक एट द केयरफुली दीज डायग्राम, अब आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि किस केस में बल्ब जल रहा है एंड किस केस में बल्ब नहीं ग्लो कर रहा। देखिए फर्स्ट केस में बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, क्यों ग्लो कर रहा है, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट है, आपको बल्ब के 2 टर्मिनल्स पता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, एक बेस से कनेक्ट है, वो टिप से कनेक्ट है, ये कनेक्टिंग वायर है। ठीक है, ये कनेक्ट हुई हुई है, बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। हेयर सेकंड एग्जांपल, ये सेल ले लिया हमने, एक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्लियरली ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, अब इस नेगेटिव को हमने ऊपर वाले से कनेक्ट कर दिया, इस पॉजिटिव को बेस से कनेक्ट कर दिया, तो मेरा बल्ब जल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट फ्लो कर रहा है। हेयर सी, सी में आप देखो क्या सी में जलेगा आपका, ठीक है, सी वाले में क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा, नो यहाँ पे आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पाथ जो है वो क्लोज्ड नहीं है। क्लियर है, डी, डी में भी आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, क्लियर, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को हमने नेगेटिव टर्मिनल से वायर से कनेक्ट किया हुआ है। हेयर
अब आपने क्या किया है, इस केस में भी आपका बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि आपका जो पाथ है वो कंप्लीट है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसमें भी आपका बल्ब ग्लो करेगा, बट इसमें ग्लो नहीं करेगा क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो इट विल नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग, कि एक कंप्लीट पाथ जिसमें से आपका करंट फ्लो कर रहा है, डेट इज़ कॉल्ड क्लोज सर्किट, ठीक है। व्हेन देयर इज़ अ ब्रेक, अगर आपका वो कहीं पे सर्किट ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट। जैसे ये मेरा ओपन सर्किट है, ये मेरा क्लोज सर्किट है, क्लियर हो गया।